पेशावर ज़ल्मी की फ़ैन बेस एक बहुत ही अलग लेवल पे है। मतलब आपको पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन ज़्यादातर मर्चेंडाइज में दिखते हैं, ज़्यादातर मर्चेंडाइज कैरी करते हुए दिखते हैं। जब यूएई में पेशावर ज़ल्मी के मैचेस होते थे, आई हैव विटनेस के कितना रश होता था। मैंने कभी दुबई स्टेडियम के बाहर इतनी बुरी तरीके से पार्किंग नहीं होती हुई देखी कि लोग बस पार्क करके भागते थे मैच देखने के लिए। फैंस की जब मैं बात करती हूँ, क्या ऐसी ख़ास बात है पेशावर ज़ल्मी में जो इतनी फैंस की क्रेजीनेस है? देखिए, एक तो पख्तून भाई हमारे और पेशावर ज़ल्मी को बड़ा सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने बात की, यूएई में, दुबई में, जहाँ कहीं भी पेशावर ज़ल्मी खेली, अबू धाबी भी खेली है, हमेशा फैंस आए हैं वहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, पेशावर ज़ल्मी को करने आए हैं। वजह सिर्फ ये है, टीम वर्क और एक यूनिटी है टीम की। जैसे टीम को बनाया गया, जैसे ले के चले हैं हाजी भाई ने, जैसे टीम बनाई है, मैनेजमेंट का हिस्सा बने हैं, लड़कों को कंफर्टेबल रखा और टीम बनाई है। फिर डैरन समी, फिर शायद भाई जैसे पहले दो सीजन खेले हैं, तो उससे बड़ा एक चार्म बना पेशावर ज़ल्मी का और नाम बना है और परफॉर्मेंस से नाम बनता है। तो पेशावर ज़ल्मी ने जैसे छः साल परफॉर्मेंस दी है, चार फाइनल हम लोग खेले हैं, एक जीते भी हैं, तो ये पर मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के साथ और फैंस की दुआएँ इसलिए हमारे साथ रहती हैं, काम आती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो हमेशा जहाँ कहीं भी गई है पेशावर ज़ल्मी और सपोर्ट 100% मिली हम लोगों को, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ी मोटिवेशन मिली है। बिल्कुल फहाब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी फैंस के बारे में। जब पेशावर ज़ल्मी के फैंस की मैं बात करती हूँ, बहुत ही कोई ज़बरदस्त सपोर्ट है। जो येलो स्टॉर्म की आप बात करते हैं, वाकई येलो स्टॉर्म की तरह घूमते हैं आपके फैंस? देखिए, अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पेशावर ज़ल्मी को फैंस की और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। ऑब्वियसली पेशावर या अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी लैंग्वेज जो है वो रीजनल लैंग्वेज जो है वो पश्तो है और मेरा ख्याल है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। प्लस प्रोबेबली आई थिंक शायद आफरीदी वॉज वन ऑफ द मेन स्टार ऑफ दिस फ्रेंचाइज, जिनकी फैन फॉलोइंग की वजह से पेशावर ज़ल्मी को आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो यू नो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत मिली, प्यार मिली, अफेक्शन मिली, कैरिड ऑन। फिर जितने हमारे प्लेयर्स आए जिनमें सैमी हैं, कामी भाई हिमसेल्फ इज़ वन ऑफ दोस, तो आई थिंक ये एक ऐसा सिलसिला है कि सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सिर्फ नाम से नहीं, परफॉर्मेंसेस से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पिछले छः सालों में जो पेशावर ज़ल्मी का एक इम्पैक्ट रहा है PSL में, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट द टीम जैसे चार फाइनल्स खेले हैं। सो आई थिंक उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोगों से, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उम्मीद है कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और वो लोग हमारे लिए दुआगो रहेंगे।